दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ होने की स्थिति की संभावना व्यक्त की थी। तो दोस्तों सबसे पहले हैं वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त है वो इब्राहिम अरेटेलियस ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात आए कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीपों को सबसे पहले एक साथ मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो ये दर्शाया था एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इब्राहिम अरेटेलियस ने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य पर विचार कीजिए, हमें सत्य पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, बेगनर ने महाद्वीपों को पेंजिया का नाम दिया, बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जो दक्षिणी भूखंड बना था उसे लारेंसिया कहा गया। नहीं दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि जो दक्षिणी भूखंड का निर्माण हुआ था उसे क्या कहा गया था, गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि हमें सत्य पर विचार करना है तो पहला ही कथन है वो सत्य है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है। तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर की क्या है, विशेषता है, यानी जो प्रशांत महासागर है उसके चारों किनारों पर क्या है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इस कारण प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं। तो इन ऑप्शनों में से आपको छोटी प्लेटों के उदाहरण बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कोकोसस प्लेट, दूसरा अरेबियन प्लेट, तीसरी है फ्यूजी प्लेट और डी नंबर ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों जो हमें ए बी सी है ये सभी क्या है, छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी है क्या है वो छोटी प्लेटों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्लेट, बड़ी प्लेट नहीं है, यानी आपको इनमें से बड़ी प्लेट नहीं है वो बताना है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका प्लेट की, ये क्या है, बड़ी प्लेट है। अगर बात करें यूरेशियन प्लेट की तो ये भी एक बड़ी प्लेट है। अगर बात करें प्रशांत महासागरीय प्लेट की, ये भी एक बड़ी प्लेट है। जबकि हम बात करें नजका प्लेट की, ये एक बड़ी प्लेट नहीं है। तो हमें क्या बताना है, एक बड़ी प्लेट नहीं है, तो नजका प्लेट है वो एक बड़ी प्लेट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में सत्य पर विचार कीजिए, हमें किस पर विचार करना है, सत्य पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मुख्य प्लेट केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा सीमांकित होते हैं। तो दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सत्य पर विचार करना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है। तो दोस्तों आपको बताना है टिलाइट है उसकी परिभाषा आपको बताना है। तो दोस्तों टिलाइट किसे कहा जाता है, कि वह अवसादी चट्टाने जो हिमालयी निक्षेपों से बनती है उसे हम क्या कहते हैं, टिलाइट। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक, महाद्वीपों की तट रेखा की साम्यता, दूसरा ऑप्शन महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, तीसरा प्लेसर निक्षेप। तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में इन सभी प्रमाणों को क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी जो हमारे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और ये 1912 में दिया था, और अल्फ्रेड वेगनर है वो जर्मनी के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाद्वीपों और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो दोस्तों महाद्वीप और महासागर हैं वो प्रथम श्रेणी के क्या हैं, उच्चावच हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, यानी जो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसमें महाद्वीपीय विस्थापन है वो किस दिशा में हुआ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था वो भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशा में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों वेगनर के अनुसार जो पेंजिया का विखंडन है वो कार्बनी फेरस युग में है वो हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन को जो स्पष्ट करने वाला सबसे नवीनतम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो नाम आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग कितने वर्ष पहले महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ। तो लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया। तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेंतालासा महासागर किसे कहा गया। हिंद महासागर को, अरब सागर को या पेंजिया के चारों ओर जो महासागरीय क्षेत्र फैला हुआ था उसे कहा गया था। तो दोस्तों पेंतालासा महासागर है वो पेंजिया के चारों तरफ फैले जलीय क्षेत्र को कहा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो आपको लघु प्लेट बतानी है, लघु प्लेट नहीं है वो बतानी है। तो पहली आती है नजका प्लेट, ये क्या है, एक लघु प्लेट है। अगर बात करें फिलिपिन प्लेट की, ये भी एक लघु प्लेट है। अगर बात करें अरब प्लेट की, ये भी एक लघु प्लेट है। जबकि बात आती है अंटार्कटिका प्लेट की, तो ये क्या है, एक बड़ी प्लेट है। तो हमें बताना है कि एक बड़ी लघु प्लेट नहीं है, तो अंटार्कटिका प्लेट है वो एक लघु प्लेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का संबंध किस प्लेट से है। तो दोस्तों भारत का संबंध है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से है, याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि भारत का संबंध है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से है। ठीक है दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखिए कि मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपको जो सत्य कथन है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े पर्वत। बी नंबर ऑप्शन, महासागरीय जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि मध्य महासागरीय प्लेट है वो अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और ये महासागरीय जल में डूबी हुई क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ए व बी दोनों ही मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए कि प्लेट का अर्थ है, यानी आपको प्लेट का अर्थ बताना है कि महाद्वीपीय स्थलखंडों से मिलकर बना विशाल भूखंड, महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना ठोस विशाल भूखंड। तो दोस्तों प्लेट का जो अर्थ है वो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, यानी जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर जो ठोस भूखंड बनता है उसे ही हम प्लेट कहते हैं, तो ए व बी दोनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी रूपांतर सीमा है उसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि दोनों विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, यानी ऐसे एक प्लेट इधर सरक जाती है, एक प्लेट इधर सरक जाती है, यानी समानांतर, तो दोस्तों उसे सरक जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें नई परपट्टी का, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी जब दोस्तों दो प्लेट एक क्षैतिज दिशा में यानी समांतर चलती है तो वो क्या होती है, ना ही किसी भूप्रपट्टी का निर्माण करती है और ना ही किसी प्रपट्टी का विनाश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ए व बी दोनों ही क्या हैं, रूपांतर सीमा के संदर्भ में क्या हैं, सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण क्या कहलाता है। तो दोस्तों नदियों की तली में खनिजों के अवसाद का जो निक्षेपण है वो प्लेसर निक्षेप कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेमूरिया प्रजाति के जीवाश्म
एक कहाँ मिलते हैं, यानी इनमें से कहाँ मिलते हैं लेमूरिया प्रजाति के जीवाश्म। तो दोस्तों लेमूरिया प्रजाति के जो जीवाश्म है वो भारत में भी मिलते हैं, मेडागास्कर में भी मिलते हैं और अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी में मिलते हैं लेमूरिया प्रजाति के जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित है, यानी जो पोलर फ्लिंग बल है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों पोलर फ्लिंग बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के किन किन बलों को उत्तरदायी बताया है। तो दोस्तों वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पोलर फ्लिंग बल व ज्वारीय बल दोनों को ही उत्तरदायी बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों जो प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा है वो मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन तीनों के द्वारा है, वो 1967 में क्या है प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो 1967 में क्या है प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।